नमस्कार, स्टेट टाइम्स की टॉप न्यूज में आप सबका स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। पीएम मोदी आज सिकंदराबाद में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित, गृह मंत्री अमित शाह समेत प्रमुख नेता होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर की डल झील में शनिवार सुबह आग लगने से कई हाउस बोट हुए क्षतिग्रस्त, आग से करोड़ों की संपत्ति जलकर हुई नष्ट। फिलहाल कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग देर शाम हुआ बहाल, जबकि मुगल रोड और श्रीनगर ले राजमार्ग भारी बर्फबारी के कारण फिलहाल बंद। सरकार का दिवाली उपहार पीएम पैकेज प्रवासी और कश्मीर में काम कर रहे जम्मू आधारित कर्मचारियों को दिवाली की 11, 13 और 14 नवंबर की 3 दिन की छुट्टी हुई मंजूर। सीमा सड़क संगठन ने शुक्रवार को कहा कि अमरनाथ मंदिर के लिए यात्रियों की आवाजाही को और अधिक आरामदायक और सुविधाजनक बनाने के लिए अमरनाथ मंदिर तक जाने वाली संकीर्ण और कमजोर पटरियों को चौड़ा कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली भारतीय सेना क्षेत्र के दूरदराज इलाकों के बच्चों को देश के विभिन्न हिस्सों को देखने के अवसर दे रही, दिल्ली समेत जम्मू कश्मीर के विभिन्न स्थलों की कर रहे सैर। दिवाली के मौके पर अयोध्या में 21 लाख से ज्यादा दीप होंगे रोशन, रिकॉर्ड बनाने के लिए हो रही भव्य तैयारी। हरियाणा की 95 साल की भगवानी देवी ने रचा इतिहास, एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीते 3 स्वर्ण पदक। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें। और खबरों के लिए देखते रहें स्टेट टाइम्स।